जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, कुछ दिनों से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसका मुख्य कारण था कि मेरी दादी जी की तबीयत खराब थी। पर अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी क्लासेस जैसे पहले होती थी उसी तरीके से आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। और साथियों, दिल्ली पुलिस के लिए भी आपकी क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली हैं। आप लोग भी हमारे साथ अच्छे से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो साथियों, आपके लिए दो लाइन है कि हटके चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले। तो मिशन वर्दी के लाडलो, अभी तक आपके हिंदी के 3 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। आज जो हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है समास। समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, समास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है किसी चीज को छोटे में लिखना, ठीक है। और समास की जो परिभाषा है उसको भी हम देख लेते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द है, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे चंद्रमुखी एक समास है, कैसे बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो चंद्र और एक मुख, इन दो शब्दों से मिलकर बना है एक अर्थपूर्ण शब्द चंद्रमुखी। अगर इसको हम तोड़ के लिखें तो क्या लिखेंगे, चंद्र के समान मुख, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ के लिखें, इतने बड़े सेंटेंस को हमने छोटे में लिख दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पद है चंद्रमुखी, इसको हम बोलते हैं सामासिक शब्द या समस्त पद, ठीक है। क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द या समस्त पद बोलते हैं। अब इसको जब हम तोड़ के लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं समास विग्रह, ठीक है। ये चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि ये जो एक शब्द लिखा हुआ है दो शब्दों को मिलाकर, उसको तो सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। अगर इसको तोड़कर लिखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको साथियों बोलते हैं हम समास विग्रह, ठीक है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सामासिक शब्द या समस्त पद या समास क्या होता है, और जब इसको तोड़ कर लिख दें तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलेंगे समास विग्रह, ठीक है। सामासिक शब्द और समस्त पद की भी परिभाषा सेम ही होती है, दो शब्दों को एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द ही समस्त पद या सामासिक शब्द या समास कहलाता है, ठीक है, नो डाउट। अब साथियों, समास विग्रह, समास विग्रह की परिभाषा क्या है, सामासिक शब्द को या समस्त पद को तोड़ना या समास को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब साथियों, कुछ शब्द और हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए, जैसे पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान पद क्या होता है और गौण पद क्या होता है, क्योंकि ये जो शब्द हैं इनको हम जाने बिना इस चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे। तो अब साथियों, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, चंद्रमुख, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक समास है, ठीक है। समास कैसे बन रहा है, दो शब्दों से बन रहा है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बनाया। अब ये दो शब्द हैं, पहले वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं, और दूसरे वाले पद को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ठीक है ना। और ये जो शब्द है इसको समास भी बोलते हैं, सामासिक शब्द भी बोलते हैं, या इसको हम समस्त पद भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का एक भी डाउट नहीं होगा,
अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। अब साथियों हम जान लेते हैं कि प्रधान पद क्या होता है या गौण पद क्या होता है। तो प्रधान पद उस शब्द को कहते हैं जो ज्यादा अर्थ रखने वाला पद हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रधान पद कहते हैं। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे हमारे गांव में कोई प्रधान होता है तो उसके पास पावर ज्यादा होती है ना, तो ऐसे ही समाज में भी जो पद ज्यादा पावर रखने वाला होगा उसको हम प्रधान पद कहते हैं। अब हम इसको पता कैसे लगाएंगे भाई, हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं चंद्रमुख को। अब कोई बच्चा है, मैं बोलूं कि उसका मुख चंद्र के समान है ना, तो उस बच्चे का जो मुख है वो क्या है, चंद्र के समान है। मतलब मुख से, मुख इस जगह इम्पोर्टेंट है भाई, मैं मुख की तुलना किससे कर रहा हूँ, चंद्रमा से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुख इस जगह पे प्रधान पद होगा, है ना, और जो चंद्रमा है वो हमारा क्या होगा, वो गौण होगा। और गौण की जो परिभाषा है वो यही कहती है कि कम अर्थ रखने वाला पद, कम अर्थ रखने वाला पद हमारा क्या कहलाता है, गौण कहलाता है, जैसे चंद्र। अब आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रधान पद क्या होता है और गौण पद क्या होता है, ठीक है साथियों। ये शब्द हमें जानना बहुत जरूरी थे जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं। अब साथियों हम लोग देख लेते हैं समास के प्रकार। समास प्रधानता के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया था ना, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों के आधार पर जो प्रधानता होती है, प्रधानता किसमें ज्यादा है उसके आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। और अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टोटल समास कितने होते हैं, तो टोटल समासों की संख्या कितनी होती है, छह। अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं, और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास छह प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है हमारा अव्यभाव समास, ठीक है, फिर हमारा आ जाता है तत्पुरुष समास, फिर आ जाता है हमारा द्वंद्व समास, और फिर साथियों आ जाता है हमारा बहुव्रीही समास। ये हमारे प्रधानता के आधार पर चार समास हैं। तो साथियों जो हमारा अव्यभाव समास है उसका कौन सा पद प्रधान होता है, उसका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। और जो हमारा तत्पुरुष समास है उसका कौन सा पद प्रधान होता है, तो उसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो साथियों अब जो हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के दोनों पद, चाहे वो उत्तर पद हो चाहे वो पूर्व पद हो, दोनों ही प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास एक ऐसा इकलौता समास है जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब साथियों हम देख लेते हैं बहुव्रीही समास। बहुव्रीही एक अकेला समास ऐसा है जिसके दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं, अप्रधान मतलब किसी में भी ज्यादा अर्थ नहीं होता, ठीक है। जो बहुव्रीही समास में दो शब्दों को मिलाकर एक जो तीसरा पद बनता है, वो तीसरा पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। जब हम बहुव्रीही समास पढ़ेंगे तो इस चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है साथियों। अब आप इनको समझ गए होंगे, ये चार समास हैं, अव्यभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीही समास। तो साथियों ये तो हमारे हो गए चार प्रधानता के आधार पर। अब हम देख लेते हैं अपने बचे दो समासों को, ठीक है। ये जो कर्मधारय समास है और ये द्विगु समास है, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत, ठीक है। किसके अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत। मैंने आप लोगों को भी बताया था कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा पद, उत्तर पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय और द्विगु का भी कौन सा पद प्रधान होगा, इनका भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। अब आपसे कोई भी पूछ ले कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास,
इन तीनों का कौन सा पद प्रधान होता है? तो आप लोग कहेंगे कि उत्तर पद इनका प्रधान होता है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है या अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करना बहुत ही सिंपल है भाई, ट्रायंगल शेप में इसको बनाओ, ठीक है? इसको ट्रायंगल शेप में बना लो। ट्रायंगल शेप वाले का क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है? अव्ययीभाव समास एक ऐसा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, एक इकलौता ऐसा समास है जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है? द्वंद्व समास मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक, सिंपल है ना? अब जो बहुव्रीहि समास है इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, और इसका तीसरा पद प्रधान होता है। जो दोनों पदों को मिलाकर एक जो तीसरा अर्थ निकलता है वो इसका क्या होता है? प्रधान होता है। इसी तरीके से आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप इस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। अब साथियों इन छह समासों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। मैंने भी आप लोगों को बताया था कि अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है? अब साथियों इसकी हम पहचान देख लेते हैं। इसमें उपसर्ग वाला पद होता है, ठीक है? मतलब इसमें उपसर्ग लगा होता है, सबसे पहली इसकी ये पहचान है। फिर इसमें इसका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक? अब साथियों इसमें हम जो तीसरी इसकी पहचान है उसको देख लेते हैं। इसमें पूर्व पद छोटा होता है परंतु ज्यादा अर्थ वाला होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं प्रतिदिन, ठीक है? अब ये दो शब्द हैं, एक प्रति और एक दिन। अब ये प्रति क्या है हमारा? एक उपसर्गी तो है, ठीक है? अब इस दिन को अगर मैं अकेले देखता हूँ तो ये इसका मतलब क्या है? ये 24 घंटे की बात कर रहा है, ठीक है? दिन का मतलब हो गया ये 24 घंटे की बात कर रहा है। अगर इसके आगे मैंने लगा दिया प्रति, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हर एक दिन की बात कर रहा है, मतलब दिन का पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। अभी ये दिन का मतलब हो गया एक दिन, 24 घंटे। जैसे ही इसके आगे प्रति लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हर एक दिन की बात कर रहा है। तो इसलिए इसका जो पूर्व पद होता है वो छोटा होता है परंतु ज्यादा अर्थ वाला होता है, ठीक है साथियों? आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब साथियों हम देख लेते हैं इसकी अगली पहचान, समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ होंगे। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, इनमें इन तीनों शब्दों में हमारा क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है? क्योंकि इनमें समान अर्थ वाले दो शब्द हैं। जैसे रात रात दो बार आ रहा है, हाथ हाथ दो बार आ रहा है, दिन दिन दो बार आ रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। तो इनमें साथियों क्या होगा हमारा? अव्ययीभाव समास होगा। बहुत से टीचर आपको गुमराह करते हैं कि जहां योजक चिन्ह आ जाता है वो हमारा द्वंद्व समास होता है, पर साथियों समान अर्थ वाले दो शब्द के बीच में अगर योजक चिन्ह भी आ जाए तो वहां हमारा क्या होता है? वहां हमारा अव्ययीभाव समास ही होगा, ठीक है? इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक? अब साथियों इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजन्म, आजन्म में आ हमारा क्या है? एक उपसर्ग है, ठीक है? इस आ को लगाने के बाद इस जन्म का मतलब किसी ने जन्म लिया तो वो अभी की बात कर रहा है, ठीक है? अगर मैंने इसके सामने आ लगा दिया तो इसका पूरा अर्थ ही चेंज हो गया, मतलब जीवन भर की बात करने लग रहा है वो। आजन्म का मतलब होता है जीवन भर, तो इसका ये जो आ है इसका पूरा अर्थ चेंज कर रहा है ना? मैंने बताया था आपको अभी कि पूर्व पद छोटा होता है परंतु ज्यादा अर्थ वाला होता है। अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभूतपूर्व, इसमें भी अ लगा हुआ है ना, ये भी इसका पूरा अर्थ चेंज कर रहा है, ठीक है? इसमें अनु लगा हुआ है तो
ये भी इसका पूरा अर्थ चेंज कर रहा है। तो इस प्रकार से साथियों आप इनको पहचान सकते। अब ऐसे ही प्रतिकूल है, ठीक है, तो प्रति इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ठीक है। रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि समान अर्थ वाले दो शब्द एक साथ हों तो क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। भरपेट, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, ठीक है, और यथा इसमें क्या है, एक उपसर्ग है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेरी बात को समझ गए होंगे। अब आप कभी भी अव्ययीभाव समास को पहचानने में कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। यथाशक्ति दो बार लिख गया है। ऐसे ही साथियों निर्वय है, इसमें भी निर क्या है, एक उपसर्ग है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो साथियों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।